गाइज मैंने इन वीडियोस को देखकर ये सोलर पैनल बनाया और अभी धूप भी ठीक ठाक ही है, सो लेट्स सी कि क्या इनकी तरह लोहा या ब्लेड में सिर्फ वायर कनेक्ट करने से हमारा सोलर पैनल काम करता है या नहीं। तो ये है हमारा एलईडी बल्ब। ओह माय गॉड, गाइज आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है सिर्फ ब्लेड में वायर लगाने से। हमारा जो एलोन दादा वो खत्म है, पता नहीं क्या क्या तिकड़म करके सोलर पैनल बनाया और ऊपर से इतना महंगा भी। यहाँ देखो ब्लेड में सिर्फ वायर लगाए, हो गया सोलर तैयार। आपको विश्वास नहीं, चलो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यह है सोलर पैनल और यह है वायर जो कि इसी में कनेक् ट किया हुआ है ना। और मैं यहाँ से अपने एलईडी बल्ब को जलाता हूँ एंड आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो वायर है ये सोलर पैनल से ही कनेक्ट किया हुआ है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गाइज ब्लेड में सिर्फ वायर लगाने से सोलर पैनल नहीं बनता, ये बनता है सिलिकॉन से, जिसे आपको मैं बताऊंगा कि आप इसे अपने घर पर कैसे बना सकते हो, जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है। तो सोलर पैनल बनाने के लिए आपको सिलिकॉन मिलेगा आपके ही नदी के किनारे बालू में, जिसे मैंने भी लाया है। तो चलिए इस पैनल को हटाते हैं और बनाते हैं एक 100% वर्किंग सोलर पैनल। तो बालू से सोलर पैनल बनाने के लिए मुझे इसमें से ओनली सिलिकॉन को निकालना होगा, ओके। फिर बालू को ऐसे ही लेप देंगे तो सोलर पैनल नहीं बनेगा, क्योंकि बालू जो होता है वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसमें से मुझे इसके ऑक्साइड को यहाँ से बाहर फेंकना होगा। और इसके लिए मैंने बनाया है ये सेटअप, और ये सेटअप काम करेगा हाई टेम्परेचर का ऑक्साइड को निकालने में। इसका ऑक्साइड तभी निकलेगा जब हम इसे 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, 1600 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए मैंने इसके चूल्हा को थोड़ा जुगाड़ लगाकर बनाया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे सिलेंडर को बीच से काट कर बनाया है, जिससे कि हम इसे बंद कर पाए और इसे हीट बर्बाद नहीं होगा और बालू को भी मिलेगा पर्याप्त गर्मी। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मतलब बालू। तो ये 1 चम्मच सिलिकॉन डाइऑक्साइड, 2 चम्मच सिलिकॉन डाइऑक्साइड, 3 चम्मच और ये रहा पूरा का पूरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और गाइस आप यहां पर देख सकते हैं कि कितना सारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब बालू है, और इससे लगभग इतना तो सिलिकॉन बन जाना चाहिए, आई थिंक इतना बन जाना चाहिए, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। तो चलिए अब इसे करते हैं यहां पर बंद, उसके बाद यहां पर गैस सिलेंडर को चालू कर देंगे। तो गाइस बालू गर्म होना स्टार्ट हो चुका है, अब ये थोड़ी ही देर में सिलिकॉन बन जाएगा। और हाँ गाइस, बालू को इसके अंदर डालने से पहले इसे धोना है, मतलब पानी से। गाइस अभी लगभग 1 घंटा हो गया है और ये जो है बहुत ही ज्यादा गर्म भी हो गया है, आई थिंक सिलिकॉन तो बन जाना चाहिए। और गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ओनली सूखा का सूखा बालू है। जब मैंने इसे डाला था तो ये उस समय गीला था, लेकिन अब ये सूखा है, और उस समय मैंने इसके अंदर ज़्यादा बालू डाल दिया था, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है, जिससे कि आसानी से सिलिकॉन बन पाए। और अगर हम इसे लो टेम्परेचर में गर्म करेंगे तो पता है क्या बनेगा, सीसा बनेगा, सिलिकॉन नहीं। तो सिलिकॉन बनाने के लिए मुझे इसे ऑलमोस्ट 2-3 घंटा हाई टेम्परेचर में गर्म करने के लिए छोड़ देना होगा। सो बाय तब तक के लिए। Hours later. तो भी बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है और इसके अंदर सिलिकॉन भी बन गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो सिलिकॉन है वो कैसा बना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सिलिकॉन है ये कुछ इस तरह से बना है, और गाइस ये ऐसे ही नहीं बना है, मैंने इसे एक्स्ट्रा हीट किया तभी ये जा करके बना है, और ये अभी ठंडा भी हो गया है, यहाँ पर ये चिपक गया है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से सिलिकॉन है ये। आप बोलोगे कैसे मान लें कि ये सिलिकॉन ही है, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये कहीं सिलिकॉन की जगह सीसा तो नहीं बन गया। एक तरीका है इसे कंफर्म करने का। तो इसे कंफर्म करने के लिए मैंने ये जुगाड़ बनाया है, और इस जुगाड़ में अगर ये बल्ब नहीं जलती है तो इसका मतलब कि ये सिलिकॉन नहीं है, अगर ये बल्ब जलती है तो इसका मतलब कि ये सिलिकॉन है, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो करंट को आसानी से सप्लाई होने देती है। सो लेट्स सी कि क्या है ये। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है ये नहीं जल रही है, हो सकता है गाइस कि सिलिकॉन में कुछ इम्प्योरिटीज हो, क्योंकि मैंने इसे इतना अच्छा से क्लीन नहीं कर पाया था, ओनली पानी से ही क्लीन किया था। और फिर मैं इसके टर्मिनल्स को चेंज करके देखता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये ऐसे जल जाए। गाइस ये जो करंट तो मारा गाइस, लेकिन ये जल क्यों नहीं रही है।
गाइज ये जेल इसलिए नहीं रही थी क्योंकि ये मेट्रोलॉइड है। मेट्रोलॉइड का मतलब कि इसका मन करेगा तो ये करंट को सप्लाई करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा। और वैसे भी ये सिलिकॉन इतना प्योर भी नहीं है, इसीलिए मैंने खरीदा यह सिलिकॉन सोलर पैनल बनाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये करंट को सप्लाई भी कर रही है। तो चलिए अब बनाते हैं इससे सोलर पैनल, और इसके लिए मुझे इसे मेल्ट करना होगा सोलर पैनल जैसा शेप देने के लिए। तो मेल्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह का हुआ है, मतलब ये मेल्ट नहीं हो रहा था इसलिए मैंने आधा मेल्ट करके ही छोड़ दिया। और हम एक और सिलिकॉन का प्लेट लेंगे और उसमें वायर कनेक्ट कर देंगे। और इसे मैं सेम टू सेम रियल सोलर पैनल जैसा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे आपको ओनली टेस्टिंग करके दिखाना है कि ये काम करता है। तो गाइस अब तैयार है हमारा छोटा सा सोलर पैनल, तो चलिए अब इसका टेस्टिंग करते हैं। और इसका टेस्टिंग करने से पहले अगर आपको इसे बनाने के लिए इतना सारा तिक्रम नहीं करना है तो मेरे पास आपके लिए एक बेस्ट तरीका है। ऑनलाइन से सोलर सेल्स ले लो और उससे बनाओ सोलर पैनल, जिससे कि आपको इतना सारा झंझट नहीं करना पड़ेगा। और गाइस इसे मैंने भी खरीदा है, तो चलिए इसे तैयार कर लेते हैं। और इसे तैयार करने में एक मिनट से भी कम समय लगेगा, सो लेट्स गो। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह प्लस टर्मिनल, ये भी प्लस प्लस प्लस, और यहां पर है माइनस टर्मिनल, ये भी माइनस माइनस माइनस। और यहां पर निकला हुआ है एक वायर जिससे कि हम कनेक्ट करेंगे अपना वाला वायर। यहां पर आप सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सोल्डरिंग नहीं है इसलिए मैं ये वाला वायर लगा दूंगा। सो गाइस अब हमारा सोलर पैनल तैयार है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे कनेक्शन किया है। सो नाउ द टाइम ऑफ टेस्टिंग दिस एंड दिस वन। तो हम अपने सोलर पैनल को यहाँ पर रख देंगे। और आपको तो पता ही है कि ये जो सोलर पैनल है ये काम नहीं करता है, ब्लेड में वायर लगाने से सोलर पैनल तुरंत बन जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि धूप भी ठीक ठाक ही है, सो लेट्स सी कि हमारा सोलर पैनल काम करता है या नहीं। गाइस उस समय बल्ब नहीं जल रही थी क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी, इसलिए मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी धूप है, सो लेट्स सी कि हमारा जो बल्ब है वो जलता है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे से काम कर रहा है। और अभी जो टाइम है वो 4 से 5 बजे का, मतलब शाम का टाइम है, फिर भी ये इतना अच्छे से वर्क कर रहा है। और गाइस इसे मैंने खरीदा है ओनली 200 में, जो कि प्रोड्यूस करता है 2 वोल्टेज, और इसमें जो एक सेल है वो है हाफ वोल्टेज का। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, ये इससे तो ये बल्ब इजीली जल जा रहा है इतना कम धूप में भी। अगर ज़्यादा धूप होगा तो शायद पंखा भी जल जाएगा, छोटा वाला मोटर वाला। तो गाइस अब हम टेस्टिंग करेंगे अपनी मेहनत इस सोलर पैनल का। तो यहाँ पर इसे धूप में रख देते हैं, और अभी धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन काम तो ये करना चाहिए जैसे कि वो वाला सोलर पैनल काम किया। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो बल्ब है ये ऐसे नहीं जलेगी, इसलिए मैं लाया हूँ ये छोटा वाला मिनी बल्ब, जो कि बहुत ही कम वोल्टेज का है, ऑलमोस्ट हाफ या फिर 1 वोल्टेज का है। तो देखते हैं कि यह बल्ब जलती है कि नहीं। गैस ये बल्ब तो नहीं जल रही है, फिर मैं इसके टर्मिनल्स को चेंज करता हूँ और देखते हैं कि अभी क्या होता है। गैस ये काम किया या नहीं वो तो आपको अभी ये पता चल जाएगा, लेकिन मैंने इसे एग्जैक्ट साइंटिफिक मेथड से बनाया है, पर इसे इतना एडवांस तरीके से नहीं बनाए थे, सिर्फ काम चलाने के लिए बनाए थे। सो लेट्स सी कि ये जलता है या नहीं। पता नहीं ये जो काम क्यों नहीं कर रही है, लेकिन जैसे सोलर पैनल को बनाया जाता है सिलिकॉन का इस्तेमाल करके, वैसे ही इसे मैंने भी बनाया है, और सेम टू सेम लेकिन नहीं बनाया क्योंकि उसमें और भी केमिकल का यूज़ किया जाता है, मैंने सिर्फ मेन केमिकल का यूज़ किया है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, नहीं लगी है तो डिसलाइक करना, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।